हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सब काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो वीडियो है दोस्तों आपको होने वाली वीकनेस को लेकर है, यानी कि जब भी आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है और अचानक से चक्कर भी आने लगते हैं, बॉडी में ब्लड की कमी भी है और कहीं ना कहीं आपको इंटरनली काफ़ी ज़्यादा वीकनेस होने लगी है, तो गाइज़ आज का जो वीडियो है, आज की जो मेडिसिन है, इसी पर बात करेंगे और आपको होने वाली वीकनेस के लिए एक मेडिसिन के बारे में जानेंगे। दोस्तों उस मेडिसिन को आप और हम गुड हेल्थ के नाम से जानते हैं, जी हाँ गाइस, जो कि कैप्सूल के फॉर्म में आता है और काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। 10 कैप्सूल्स की एक स्ट्रिप्स आती है इसमें, दोस्तों आपको 10 कैप्सूल्स की एक स्ट्रिप्स मिल जाती है। चलिए बात करेंगे इसको कब कब यूज़ करना चाहिए या फिर इन कैप्सूल्स को हमारे डॉक्टर्स किन किन कंडीशन में आपको प्रेस्क्राइब करते हैं, आज की वीडियो में कम्प्लीट डिटेल में जानेंगे। आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक कम्प्लीट वॉच करें। साथ ही दोस्तों चैनल पर नए हैं और आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट से अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि जो भी हम मेडिसिन रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, गुड हेल्थ के नाम से आते हैं ये कैप्सूल, जो कि इनका ब्रांड नेम है, और 10 कैप्सूल्स की एक स्ट्रिप्स आती है। चलिए आपको दिखा देते हैं किस तरह से आपको मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह की कुछ पैकिंग के साथ आते हैं। गाइस 120 रुपये कॉस्ट करता है 10 कैप्सूल्स का एक स्ट्रिप्स, बट आपको ये इजीली 100 रुपीज़ में सभी फार्मेसी स्टोर पर लगभग मिल जाता है। और हो सकता है जगह और समय के बदलाव के साथ साथ इसमें कहीं आपको चेंजेस देखने को मिले, तो जहाँ भी आपको सस्ता मिले, अच्छा मिले, आप इसको वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों इसके मार्केट करने वाली कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो जैन लैब्स लिमिटेड द्वारा इसको मार्केट किया जाता है, जो कि जेनरिक मेडिसिन को मार्केट करने का काम करती है। चलिए दोस्तों इसके फ़ायदे और यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो कैप्सूल्स हैं, जब भी आपको किसी भी वजह से वीकनेस हो गई है, आप काफ़ी लंबे समय तक बीमार रहे हैं जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा कमजोरी आ गई है, हाथ पैर आपके दुबले पतले हो गए हैं और आपको दिमागी कमजोरी और आपको बॉडी में कमजोरी रहती है जिसकी वजह से आपको कई बार चक्कर भी आ जाते हैं, आप ठीक से कोई भी वर्क नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत का काम दिन भर करते हैं तो आपकी बॉडी को शाम को एक रिक्वायरमेंट रहती है एनर्जी के लिए। तो गाइस उन कंडीशन में आप इन कैप्सूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बेहद ही फ़ायदेमंद होने वाले हैं और आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा भी करते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको किसी तरह की बीमारी रही हो जिसकी वजह से आप ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, खून की कमी बॉडी में हो गई है, साथ ही साथ आपको चक्कर आते हैं, सर में भारीपन भी रहता है कमज़ोरी से, तो आप इन कैप्सूल्स का यूज़ सुबह शाम दूध के साथ करेंगे तो बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों जिस तरह से भी आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं आप इन कैप्सूल्स का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ गाइस जब आप कोई हार्ड वर्क करते हैं, दिन भर आप लगातार काम करते हैं जिससे कि आपको बॉडी में काफ़ी ज़्यादा शाम को थकान हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर महसूस करते हैं, तो उस समय दूध के साथ एक कैप्सूल्स लेने से आपकी एनर्जी को ये बूस्ट करता है, आपके दिन भर का जो एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है उसको कम्प्लीट करता है, साथ ही साथ आपको ये एनर्जी प्रोवाइड्स कराता है। तो काफ़ी अच्छा कैप्सूल्स है, आपको ब्लड की कमी को पूरा करता है, बॉडी में होने वाली वीकनेस को दूर करता है, साथ ही साथ आपके इम्यूनिटी सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है। ऑल ओवर कहें तो दोस्तों आपको वीकनेस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली कैप्सूल्स हैं, गुड हेल्थ के नाम से आते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया इजली सभी फार्मेसी स्टोर पर मिलते हैं। तो इस तरह की अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप भी अपने डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज़ ये था हमारा आज का गुड हेल्थ कैप्सूल्स का कंप्लीट वीडियो। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों हमेशा की तरह आपको बता देते हैं किसी भी मेडिसिन का यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर से करें, सेल्फ मेडिकेशन आपके और आपकी बॉडी के लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए आप हमेशा किसी भी मेडिसिन को यूज़ करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर से ले लें। तो गाइज मिलते हैं आपसे किसी और नए मेडिसिन रिव्यू के वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद, धन्यवाद।